नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या फिर जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां पर आप इसे जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। ये बहुत जरूरी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को हार्ड डिस्क के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। आप सभी को हार्ड डिस्क के बारे में पता ही होगा, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहूंगा दोस्तों। अगर वो पॉइंट्स आप सभी को पता होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होंगे तो मैं आप सभी को वो पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑल अबाउट हार्ड डिस्क के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि हम देखेंगे व्हाट इज हार्ड डिस्क, उसके बाद में स्पीड्स ऑफ हार्ड डिस्क, हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क और टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, इन पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे दोस्तों। ऑल अबाउट पॉइंट्स हम हार्ड डिस्क के बारे में इन डीप में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को और एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि इसी तरह की हमने और वीडियोस बनाकर रखी है जो कि है कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के ऊपर, स्टिकी कीज के ऊपर, बेसिक यूजेस ऑफ फंक्शन कीज के ऊपर, प्रोसेसर, यूएसबी, एपीआई, मालवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईपी एड्रेसेस, लाइन सुफिक्स, इन तरह के टॉपिक्स पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चाहो तो उन टॉपिक्स के वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो आपको अपने कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो कि मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप हमारे कंप्यूटर हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर आप जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको इन तरीके के टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे हम आज के वीडियो में हार्ड डिस्क के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स देखने वाले हैं दोस्तों वो मैं आप सभी को थोड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे व्हाट इज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है, एक्चुअल में हार्ड डिस्क क्या है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क का इतिहास, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हम देखेंगे स्पीड्स ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब कि हार्ड डिस्क की रफ्तार, कौन कौन सी रफ्तार की हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। उसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे दोस्तों टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क के प्रकार कौन कौन से है, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को हम थोड़ा डीप में क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के तरफ। यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं व्हाट इज हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो हमारे पर्सनल डेटा को परमानेंट या डेली बेस पर सेव करके रखती है। कंप्यूटर की पावर बंद हो जाने के बाद भी इस हार्ड डिस्क का डाटा सेव रहता है। ये हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज को इस्तेमाल करके हमारे डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इस हार्ड डिस्क को HDD भी कहा जाता है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। और इस हार्ड डिस्क को आप इंटरनली और एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर्स, मोटर्स, स्प्लिंडर सेक्टर्स और डिस्क और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं जिनकी मदद से हमारी हार्ड डिस्क जो है वो काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि हमारे पर्सनल डेटा को परमानेंट या फिर डेली बेस पर सेव करके रखती है। जब हमारे कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है दोस्तों पूरी तरीके से, तभी भी हमारा डेटा जो है वो हार्ड डिस्क में से इरेज नहीं होता है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज को इस्तेमाल करके हमारे डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में अपने अंदर स्टोर करके रखती है और इसे HDD भी कहा जाता है, मतलब के हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और आप इस हार्ड डिस्क को इंटरनली और एक्सटर्नली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस हार्ड डिस्क के अंदर कुछ प्लेटर्स लगे हुए रहते हैं दोस्तों, एक मोटर्स लगी हुई रहती है, कुछ प्लिंडर्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं और कुछ एक बड़ी डिस्क होती है दोस्तों, और भी कुछ कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट्स जिनकी मदद से हमारी हार्ड डिस्क जो है वो काम करती है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को पढ़ भी सकते हो या फिर रिवाइंड करके इस वीडियो को देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, चलिए हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का कुछ इतिहास मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देना चाहूंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हार्ड डिस्क 1956 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता सिर्फ 5 MB थी और वजन करीब 250 किलोग्राम था। उसके बाद 1962 में IBM ने मॉडल 1311 एक हार्ड ड्राइव मॉडल बनाया गया जो कि वॉशिंग मशीन इतना बड़ा था दोस्तों, और यह सिर्फ करीब 20 लाख अक्षरों को ही अपने अंदर स्टोर कर पाता था। और फिर ऐसे करते करते जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई तो इन हार्ड डिस्क में कुछ इम्प्रूवमेंट
किया गया और इन हार्ड डिस्क की साइज को छोटा किया गया और उनकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ा दिया गया। और फिर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको कई तरह के हार्ड डिस्क मार्केट्स में अवेलेबल मिलेंगे जिनकी साइज बहुत छोटी होती है और उनकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि 1 TB, 2 TB, 3 TB या फिर 4 TB। ठीक है, तो ये जो कुछ था दोस्तों, इन शॉर्ट में मैंने आप सभी को हिस्ट्री बताई है हार्ड डिस्क की। जो सबसे पहला हार्ड डिस्क लॉन्च हुआ था दोस्तों, वो 1956 में IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और जिसकी स्टोरेज लिमिट थी ओनली 5 MB और वजन करीब था 250 किलोग्राम तक। तो आप सोच ही सकते हो 250 किलोग्राम तक वजन, मतलब कितनी बड़ी हार्ड डिस्क यहाँ पर बनी होगी, ठीक है। उसके बाद 1962 में IBM ने भी एक मॉडल बनाया दोस्तों, जिसका नंबर था 1311। मॉडल नंबर जो था वो था 1311। एक हार्ड ड्राइव मॉडल बनाया गया जो कि वॉशिंग मशीन इतना बड़ा था और ये सिर्फ 20 लाख अक्षरों को ही अपने अंदर स्टोर कर पाता था। तो आप सोच ही सकते हो कितनी कम साइज इसकी होगी दोस्तों, मतलब कि हमारी जो नोटपैड की फाइल्स होती है वो वही सिर्फ उसमें स्टोर हो पाती होगी, ठीक है। तो ये कितनी छोटी थी, तो वो एक वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी थी दोस्तों और 20 लाख अक्षरों को ही अपने अंदर स्टोर कर पाती थी वो हार्ड डिस्क, ठीक है। लेकिन उसके बाद में इसी तरह से बहुत सारी हार्ड डिस्क मार्केट में आती गई। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी दोस्तों, इन हार्ड डिस्क में जो है वो इम्प्रूवमेंट किया गया और उनकी फिजिकल साइज को छोटा किया गया और जो है उनकी स्टोरेज लिमिट को बढ़ा दिया गया। तो आज के हिसाब से आपको मार्केट में बहुत सारी हार्ड डिस्क ऐसी मिल जाएंगी दोस्तों जो कि 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB तक होती है और जिनकी फिजिकल साइज बहुत छोटी होती है और वो बहुत लाइट वेट भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इतिहास मैंने आप सभी को बता दिया, हिस्ट्री ऑफ हार्ड डिस्क का, ठीक है, मतलब कि हार्ड डिस्क का इतिहास मैंने इन शॉर्ट में आप सभी को बताया है। तो आप इस पॉइंट को पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट के ओर बढ़ते हैं, जैसे कि स्पीड्स ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की रफ्तार, इन हार्ड डिस्क की रफ्तार कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स हम क्लियर कर देना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क में दो प्रकार की स्पीड्स की हार्ड डिस्क आती है, एक होती है 5400 RPM और एक होती है 7200 RPM की, ठीक है। मतलब कि हार्ड डिस्क में दो टाइप्स की, मतलब के दो टाइप्स के स्पीड्स की हार्ड डिस्क आती है, एक होती है 5400 RPM की और दूसरी होती है 7200 RPM की। इन दो RPM के स्पीड्स की हार्ड डिस्क जो है वो मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। हार्ड डिस्क में को रीड या राइट करने की स्पीड को हम RPM में नापते हैं, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगी हुई रहती है दोस्तों और उस डिस्क पर कई प्लेटर्स लगे हुए रहते हैं जिन पर हमारा डेटा रीड या राइट किया जाता है। तो कुछ हार्ड डिस्क में यह डाटा रीड या राइट करने की क्षमता 5400 RPM तक होती है, तो कुछ हार्ड डिस्क में 7200 RPM तक, ठीक है। तो दोस्तों, रीड या राइट करने की स्पीड को, हार्ड डिस्क के रीड या राइट करने की स्पीड को हम RPM में नापते हैं, मतलब के रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क लगी हुई रहती है दोस्तों और उस डिस्क पर कई प्लेटर्स लगे हुए रहते हैं, उन पे कई प्लेटर्स की परत चढ़ी हुई रहती है जिन पर हमारा डाटा रीड या फिर राइट किया जाता है, ठीक है। तो उन प्लेटर्स को रीड या फिर राइट करने की क्षमता जो होती है दोस्तों, कुछ कुछ हार्ड डिस्क में 5400 RPM तक होती है या फिर कुछ हार्ड डिस्क में 7200 RPM तक होती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब जाहिर सी बात है कि 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से जल्दी डाटा को रीड या राइट करेगी, मतलब 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से डाटा को रीड या राइट फास्ट, मतलब जल्दी करेगी। तो 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से अच्छी होगी, ठीक है। बताने का मतलब यही है दोस्तों कि 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से कई ज्यादा फास्ट होती है और वो जो है 5400 RPM के हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट अपने अंदर जो है डाटा को रीड या फिर राइट कर पाती है। तो जाहिर सी बात है जो 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क होगी दोस्तों, वो जो है 5400 RPM वाले हार्ड डिस्क से कई ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन ये बहुत महंगी आती है दोस्तों, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो नॉर्मल PC में हम जो है 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क ही इस्तेमाल करते हैं, बट आप चाहो तो 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क को भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत फास्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ओर, यहाँ फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के प्रकार, कुछ हार्ड डिस्क के टाइप्स है दोस्तों, उन सभी के टाइप्स में आप सभी को कुछ क्लियर कर देना चाहूंगा। तो चलिए देखते हैं
दोस्तों हार्ड डिस्क में तीन प्रकार की हार्ड डिस्क आती है, एक होती है पाटा ड्राइव, एक सेकंड होती है साटा ड्राइव और थर्ड होती है एसएसडी। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड थ्री टाइप्स के हार्ड डिस्क मार्केट में आज के जनरेशन के हिसाब से अवेलेबल है, आगे की पता नहीं, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से तीन टाइप्स के हार्ड डिस्क हमारे सामने मार्केट में अवेलेबल है, जो कि है पाटा ड्राइव, उसके बाद में साटा और उसके बाद में एसएसडी। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स की हार्ड डिस्क होती है दोस्तों। तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स को इन शॉर्ट में मैं आप सभी को डिटेल में बता देना चाहूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, पेटा मीन्स पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये है पेटा का लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क जो है वो 1986 के पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती थी, और ये जो पाटा हार्ड डिस्क थी ये 133 Mbps पर सेकंड की स्पीड से ही डाटा को ट्रांसफर कर सकती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पाटा हार्ड डिस्क थी वो जो है ओल्ड पीसीज में यूज किया करते थे, मतलब के 1986 के जो पुराने पीसी थे दोस्तों उसमें इस टाइप की हार्ड डिस्क यूज की जाती थी, पेटा हार्ड ड्राइव। ठीक है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, और इसकी स्पीड थी लगभग 133 Mbps पर सेकंड की स्पीड से जो है वो डाटा को ट्रांसफर कर सकती थी। ठीक है, तो ये ओल्ड पीसीज में यूज की जाती थी। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं साटा हार्ड डिस्क। दोस्तों साटा मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये है सेटा का लॉन्ग फॉर्म। तो ये हार्ड डिस्क जो है वो नए कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की जाती है आफ्टर पेटा ड्राइव, मतलब पेटा ड्राइव के बाद में इस हार्ड डिस्क को इस्तेमाल किया जाता है हमारे जनरेशन के हिसाब से नए कंप्यूटर्स में। ठीक है, और पेटा हार्ड डिस्क के मुकाबले इस साटा हार्ड डिस्क की स्पीड में डबल का इम्प्रूवमेंट किया गया, और ये जो साटा हार्ड डिस्क है ये 300 Mbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है, और आज के जनरेशन के हिसाब से दोस्तों मतलब के आज के जनरेशन में इस हार्ड डिस्क को कई कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज के जनरेशन के हिसाब से दोस्तों इस हार्ड डिस्क को हम जनरली यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, जो कि है साटा हार्ड डिस्क, मतलब कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो पाटा ड्राइव के बाद में ये हार्ड डिस्क लॉन्च की गई थी, तो इसकी स्पीड थी लगभग 300 Mbps। तो पाटा ड्राइव के मुकाबले इस हार्ड डिस्क के स्पीड को डबल का इंप्रूवमेंट किया गया था दोस्तों, मतलब के पाटा ड्राइव के मुकाबले इस हार्ड डिस्क की स्पीड पाटा ड्राइव से डबल थी। ठीक है, डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड। ठीक है, तो इस हार्ड डिस्क को आज के जनरेशन में कई पीसी में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है एसएसडी। SSD दोस्तों, SSD means solid state drive, ये SSD SATA drive के बाद में बनाई गई, जो कि SATA drive से ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इसकी डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड 500 Mbps तक है, और ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक माइक्रोचिप होती है जो कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की तरह काम करती है, ये डाटा को चिप में स्टोर करके रखती है, और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में प्लेटर्स, डिस्क, सेक्टर्स और कई मूविंग पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, तो उसी तरह से SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, सिर्फ एक माइक्रोचिप लगाई हुई रहती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों SSD हार्ड डिस्क से मतलब HDD से बहुत अलग है, ये जो थर्ड टाइप है हमारे हार्ड डिस्क का। ठीक है, तो SSD मीन्स सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये जो SSD है दोस्तों वो जो है साटा ड्राइव के बाद में लॉन्च की गई, जिसकी डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड है 500 Mbps। ठीक है, और ये बहुत फास्ट होती है दोस्तों, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसमें कोई भी डिस्क नहीं लगी हुई रहती है, इसमें बस एक माइक्रोचिप होती है जो कि हमारे मेमोरी कार्ड की तरह होती है, और वो हमारे मेमोरी कार्ड की तरह काम करती है, मतलब कि हमारे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की तरह काम करती है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया HDD में कई प्लेटर्स लगे हुए रहते हैं, कई एक डिस्क लगी हुई रहती है, सेक्टर्स होते हैं, और भी कई मूविंग पार्ट्स है जिनकी मदद से हमारी हार्ड डिस्क जो है वो काम करती है, लेकिन इस SSD में कोई भी इस तरीके का मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसमें बस एक माइक्रोचिप लगाई हुई रहती है और कुछ छोटी चिप्स लगाई हुई रहती है, जिसकी मदद से हमारा डेटा उन चिप्स पर स्टोर किया जाता है, और उनकी मदद से जो है वो SSD काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ थ्री पॉइंट्स थे दोस्तों हार्ड डिस्क के, मतलब के टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क के। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने आप सभी को हार्ड डिस्क के बारे में ऑल अबाउट पॉइंट्स क्लियर कर दिया है दोस्तों। ठीक है,
आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट हार्ड डिस्क। ठीक है, तो मुझे आशा होगी कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे हार्ड डिस्क के बारे में इन शॉर्ट में। ठीक है, तो अगर आपको कोई वीडियो कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज करके उन पॉइंट्स को पढ़ भी सकते हो, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो आपके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ऑल अबाउट हार्ड डिस्क के बारे में। ठीक है, उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।